हेलो uh, uh, मैं उर्दू लैंग्वेज तो कम जानता हूँ लेकिन गालिब को बहुत पढ़ा है मैंने पिछले दस बारह साल से गालिब ही पढ़ रहा हूँ और एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि कोई दिन ऐसा नहीं जब कि मैं गालिब के दो एक कबलेट ना पढूं। तो मैं ये सुन के थोड़ा बेचैन भी हुआ हैरान भी हुआ कि उसकी आप शायरी है उसके अंदर आप कह रहे हैं कि उसके जीवन और उसके ख्याल या उसकी जो लाइफ है उसके अंदर जो सच्चाई थी वो उससे मेल नहीं खाती जी हाँ ये ये जी बात जी मेरी समझ में नहीं आई कोई ऑथर किसी जबान का हो चाहे इंग्लिश का हो उर्दू का हो हिंदी का हो वो अपने आप को कहाँ छिपा सकता है जब वो लिख रहा है तो कैसे छिपाएगा अपने आप को कोई इतना फ्रेम नहीं कर सकता है थैंक यू यही तो ये एक बार बताऊँ अपने बारे में कि अब ये कहता हूँ कि जवानी में लड़खड़ाया नहीं मैं अब बुढ़ापे में बहुत लड़खड़ाता हूँ मैं जो मुझे एक चाहिए आदमी जो मेरा हाथ पकड़े जवानी में आई आई स्टम्बल तो ये जब ये नावल इसके पहले जो स्टोरी लिखी मैंने कुछ तो उनको लोगों ने कई लोगों ने जो मुझसे फ़्री हैं पढ़ पढ़ के कहा आपकी लाइफ में ज़रूर ऐसा हुआ होगा ये पॉसिबल नहीं है कि लव के ऐसे ट्रांजेक्शन को बयान कर जाए और वो इन रास्तों से ना से ना आशना हो अब मैं कितना बताऊं कि, बता कि भाई मैं नाचना हूँ क्या कर सकता हूँ <laughs> तो एक्चुअली इट्स द लाइफ द माइंड विच मैटर्स और जैसे अभी मैंने आप सर्च किया था कि जैसे हमारी बेटी ने भी कहा कि अपने अपने ऑथर को आइडलाइज़ करना टू हेरोइज़ हिम एज और हर एज समथिंग बियॉन्ड आवर रीच ये नहीं ठीक है और ये समझना कि लाइफ पूरी की पूरी ट्रांसफ़र हो जाती है पोइट्री में ये भी नहीं ठीक है होती भी है नहीं भी होती है अब हम लोगों को अंग्रेजी में सिखाया गया था आपकी वो तो बिल्कुल आ, शायर अपनी पूरी दिल के गहराइयों से बात कहता है और पोइट्री रेकलेक्शन इमोशन रेकलेक्टेड इन और ये और वो हमारे यहाँ सब नहीं होता हमारे यहाँ तो देखते हैं कि हम क्या लिख रहे हैं हम थाट कौन सा बना रहे हैं उसमें हमारा एक्सपीरियंस कितना अब उसमें शायर तो कहीं सर फोड़ रहा है कहीं अपना गला काट रहा है कहीं गरीबान फाड़ के जंगल में चला जा रहा है तो अगर अब क्या डू एक्सपेक्ट ऑलरेडी सब किया होगा कि उन्होंने अपने बाल नोचे होंगे अपना गरीबान फाड़ा होगा और जंगल में दौड़ के चले गए होंगे जाहिर है कि नहीं तो ये सब तो ट्रोप्स हैं सर में लाइफ के इनको ट्रोप्स हैं उनको हम बयान करते हैं तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है दर इज़ नो कंटिन्यूटी एज सच बिटवीन लाइफ एंड बायोग्राफी आई मीन पोइट्री एंड बायोग्राफी है भी और नहीं भी है और जैसा मैंने आपसे कहा कि भई अब वीओं इतने बड़े शायर फ्रांसीसी के थे पक्के चोर थे वो मर्डरर थे बल्कि लाइफ उन्होंने आखिरी ज़माना पूरा उन्होंने जेल खाने में गुजार दिया तो ऐसे ऐसे लोग होते बिल्टन रहते वाले आदमी थे उन्होंने अपनी औरतों के साथ कितना बुरा सलूक किया बेटियों को उन्होंने लैटिन और ग्रीक के हरफ पढ़ना सिखाया लैंग्वेज नहीं सिखाई तो हरफ पढ़ लो मुझे सुना जब अंधे हो गए थे वो कहते थे तो तुम किताब पढ़ के सुनाओ बस समझ लूँगी उसमें क्या लिखा बट यू डोंट नीड टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज यू ओनली रीड द स्क्रिप्ट तो आदमी इस तरह के होते हैं अब हम तो मिल्टन को बहुत प्यार करते हैं बचपन से हम उनको पढ़ते चले आ रहे हैं जब हमने उनकी पोइम पढ़ी थी ऑन ऑनिफ ब्लाइंडनेस तो अब तक मेरे सीने पर लिखी हुई है लेकिन आई केम टू नो कि एज़ अ मैन ही वॉज मच लैकिंग मच मच वॉन्टिंग इन सो मैनी थिंग्स तो क्या हुआ होने दीजिए शायरी पढ़ रहे हैं हमको इससे क्या मतलब है कि वो आदमी कितना ख़राब था नमस्कार फारुख़ी साहब uh, मैं मेरा बड़ा छोटा सा सवाल है जब आप अनुवाद को लेके क्योंकि काफ़ी बात इन्होंने की जब आप अनुवाद उसका कर रहे थे अंग्रेजी में तो कल्चरल लेवल पे सांस्कृतिक स्तर पर आपके चीज़ में कौन कौन से ऐसे मुद्दे उभरे जो उर्दू में थे लेकिन अंग्रेज़ी में उनको आप ज़्यादा एक्सप्लेन करना चाह रहे थे क्योंकि कल अशोक वाजपेयी साहब ने भी ये कहा कि पेजेस के हिसाब से भी 200 सौ पेज अंग्रेजी में ज़्यादा हैं तो क्या कोई आ, सांस्कृतिक स्तर पे कल्चरल लेवल पे कोई ऐसे मुद्दे उभरते चल रहे थे आपके पास जब आप अनुवाद में संलगन थे देखिए मैं समझता हूँ हालांकि आप कह सकते हैं कि मेरी शोब है मगर मैं समझता हूँ कि उर्दू बिकॉज ऑफ़ दी सपोर्ट ऑफ पर एंड अरबिक एंड संस्कृत इन तीन जबानों ने मिलकर उसको इतना इनरिच किया है कि जो उर्दू में एम्पलीट्यूड है वो अंग्रेजी में नहीं है एक नाम ले सकते हैं हम कि शेक्सपियर का कि उसके यहाँ वाकई जो प्लेट्यूड है वो कहीं तो नहीं मिलता लेकिन वो अल्लाह में के देन है किसी को दे देते हैं वो जो जाहिल आदमी था उसको दे दिया कि ले भाई तू ही बन जा, जा जो बनना है उसके अलावा मैं समझता हूँ अंग्रेजी में इतनी प्लानिट्यूड नहीं जितनी उर्दू में है तो मेरा प्रॉब्लम यह था कि मैं उसको कैसे रोकूँ जो उर्दू में जो एक्सेस हैं जो कि अंग्रेजी में एक्सेस मालूम होगा कैसे रोकूँ उसको मैं और कैसे उसको टोन डाउन करूँ देट वॉज माई प्रॉब्लम मतलब ऐसा कोई जैसा कि असद ने बड़ी अच्छी बात कही कि भाई पढ़ने वाले तो कुछ मेहनत करो भाई अब सारा हम ही लिख देंगे तो तुम क्या करो फिर? क्यों कितनी किताब पढ़ रहे हो बहुत सारे कल्चरल मार्कर्स हैं पॉइंटर्स हैं बहुत सी चीज़ें जैसे पोइट्री मान लो है अब पोइट्री को जैसे हम तुम अप्रिशिएट करते हैं कहीं और दुनिया में कहीं भी नहीं होती है सवा अरेबिया के वहाँ भी खास तरह की सऊदी अरब या अरब कल्चर्स में खास तरह की पोइट्री को लोग पब्लिकली पब्लिकलीफॉर परफॉर्म करते हैं वर्णा पोइट्री का परफॉर्मेंस उसका प्रसिद्ध हमारे यहाँ है चाहे उर्दू हो चाहे हिंदी हो चाहे बंगाली हो मराठी हो वैसा कहीं भी नहीं है दुनिया में तो अब मैं उसमें समझाऊँ उनको साहब देखिए हमारे यहाँ ऐसा होता इसको है इसको गोष्ठी करते हैं इसको मुशारा करते हैं लोग उसमें बुलाए जाते हैं और शेर सुनाते हैं आई आई डोंट नीड टू डू ऑल दैट वो किताब में लिखा हुआ है जैसा है समझ लीजिए आप दिस हाउ पीपल रिएक्ट टू दीज थिंग्स तो मुझे इसमें बाकी बदल मुश्किल से भी हुई कि जो उर्दू के एक्सेस है वो एक्सेस में अंग्रेजी में नहीं न, मैंने मैं नहीं लाया और ना मैं लाना चाहता था क्योंकि अंग्रेजी उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती आ, नवाब शमसुद्दीन well so जी असल तो में वजीर ख़ानम भी हिस्टोरिकल फिगर हैं और चूंकि दाग की अम्मा थी वो दाग बहुत बड़े शायर हैं अगरचे अब आजकल के अंग्रेजी पढ़े लोगों को दाग की शायरी कम अच्छी लगती है लेकिन बहुत बड़े शायर हैं कोई और अपने ज़माने में जाहिर बात है कि जो लीडिंग पोइट थे हिंदुस्तान के वो उर्दू में कम से कम तो इसलिए सब लोग जानते हैं कि वजीर खानम कौन थी उनकी अम्मा थी और कैसे उनकी अम्मा बनी कौन उनका बाप था एंड ऑल और जो मोटे मोटे इवेंट्स उनकी लाइफ में हैं वो भी ज़्यादातर लोगों को कुछ ना कुछ थोड़े बहुत जिन्होंने कि उर्दू लिटरेरी हिस्ट्री इस, को पढ़ा है उनको मालूम था तो इसमें कोई ऐसा इवेंट नहीं है जो वज़ी खानम की लाइफ में ना आया हो और जिसको मैंने उसमें बयान एक्सेप्ट फॉर वन थिंग जैसे मैंने कल भी किसी से कहा था कि उसने मास्टर ब्रेक को कब छोड़ा ये नहीं मालूम और उसने छोड़ा या ब्लैक ने उसको छोड़ा ये भी नहीं मालूम है ठीक से दो तो अब अगर जो वर्षन देता मैं उसमें किसी न किसी का नुकसान होता ये ब्लैक का या वज़ीर खानम का इसलिए फिर मैंने वज़ीर खाना मास्टर ब्लैक की डेथ को चार चार साल आगे कर दिया एक्चुअली वो मरा है एटीन थर्टी फाइव की बिगेिंग में उसे मैंने एटीन थर्टी वन की बिगेिंग में दिखा दिया या थर्टी की बिगनिंग दिखा दिया क्योंकि वो उसमें आसान हो गया फिर कि बच्चों बच्चों को छोड़ना पड़ा उसे ऑब्वियसली उसको अंग्रेज़ ने निकाला होगा अपने घर से या अंग्रेज़ों के एक्सेस दे करके उसने उसको छोड़ा होगा लेकिन आई डिडन्ट वॉन्ट टू क्रिएट एन इम्प्रेशन जो कि हिस्टोरिकली फॉल्स हो सकता था क्योंकि मुझे ठीक मालूम नहीं इफ आई न्यू इवन वन वर्ड अबाउट इट कि मास्टर में लेकर तू अपने घर जा ये वो कहती है मैं अब नहीं रहूँगी तेरे साथ तू बड़ा बदमाश आदमी है तो मेरे लिए काफ़ी था नॉट नोइंग द एग्जैक्ट फैक्ट मैंने कन्वीनियंटली उसकी मौत को चार साल आगे बढ़ा, बढ़ा के दिखा दिया है इसके अलावा उसकी मौत का जो तरीका है जैसे हुआ है ऑल दोस्त थिंग जो रायट हुआ जो लोगों ने उसको मारा uh, जयपुर के मुआब ने ट्रू कोई गलत उसमें नहीं है ही रेड द बुक एज इफ़ इट, लेकिन उन्होंने पढ़ी हुई नहीं तो शाम को कल मेरे पास अचानक आए ये ये उसको बरनाजी लेके आई कहने की एक बच्चा है वो आपसे मिलना चाहता मैंने कहा भाई बुरा लाओ तो मालूम है था बच्चा नहीं है बल्कि वो जो एक्म्पलिश एक्टर है वो कह रहे किताब मैंने पढ़ी नहीं तो बताओ मैं कहाँ से पढ़ूँ मैंने कहा यार मैं तो आई हेट दिस बुक मैं मुझे नहीं मालूम इससे पूछे तो ये ज़्यादा जानता है तो ही चोज समथिंग ऑन इज ओन प्रेस गाइडेड बाई माईडर और माई डोट नो लेकिन जितना अच्छा उन्होंने पढ़ा तो मैं बहुत शुक्रिया अदा तो करता हूँ ये बड़ी अच्छी एक तरह की एक अच्छा मोड़ था एक्चुअली किताब से एक्वेंट होने का कि आप उसको पढ़ के सुनाइए और उसके जो कुछ भी उसकी उसमें है वो आपके सामने बोले हुए लफ्ज़ में आ जाए लिखे हुए लफ्ज़ में वो बात नहीं आती है हमारे अल्बेनिया के बहुत बड़े राइटर हैं आप नाम सुना होगा इस्माइल कादरी तो इस्माइल कादरी कहते हैं कि जो लिखा हुआ शब्द है वो डेड बॉडी है जो बोला हुआ शब्द है वो लिविंग बॉडी है तो बोले हुए शब्द की बात ही और होती है तो थैंक यू वेरी मच अल्ताफ अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंडनेस इन मी मी हियर एंड फॉर फॉर टू टू सो गुड माय आई डोंट डिजर्व ऑल दिस लेकिन ठीक है अब मिल रहा है तो क्यों ना खाएंगे Has acted in this movie. The next session, The Competent Authority, will begin in about 15 minutes. So, see you in a while.